जनरली हमारी हाइट इंक्रीज कैसे होती है जब हमारी बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे बोन्स की लेंथ इंक्रीज कैसे होती है। तो देखो, हमारे बोन्स के बीच में ग्रोथ प्लेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से 90% लोगों के मन में एक और सवाल जरूर आया होगा कि हमारी बॉडी ये कैसे कंट्रोल करती है कि किसकी कितनी हाइट बढ़ेगी। तो देखो, हमारी बॉडी यानी दिमाग में एक ग्लैंड मौजूद होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। लेकिन ये हार्मोन्स एक टाइम तक ही हमारे बॉडी में रिलीज होती है, दैट्स वाई एक सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी हाइट को किसी भी एज में बढ़ा सकते हैं, बट हाउ? इट्स बिकॉज और बोन कैन चेंज। आई नो कि तुम्हें इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा होगा, सो इसे देखो। यह है डेवन लैरेट, जो कि एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर है। आप इसके दोनों हाथों को ध्यान से देखो। Did you see any difference? जिस हाथ से ट्रेनिंग करता है, रेसलिंग करता है, वो हाथ ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन टू अदर हैंड। नाउ लुक एट द मासाई ट्राइब, जो कि केन्या में पाई जाती है। मासाई ट्राइब के लोग दुनिया के सबसे लंबे लोगों में जाने जाते हैं। इनका एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी है, जंपिंग इनसेन हाइट्स, और इनकी एवरेज हाइट 6'3" होती है। डेवन लैरेट की एक हाथ का लंबा होना और मासाई ट्राइब की एवरेज हाइट 6'3" होना, इन दोनों के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपकी भी हाइट इंस्टेंटली ग्रो हो सकती है, वो भी कुछ ही महीनों में। देखो, वैसे तो हमारी हाइट ग्रोथ 60-80% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, बट आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा जिनकी हाइट उनके पेरेंट्स से भी काफी ज्यादा होती है। दिस इज बिकॉज बाकी के जो 20-40% ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं वो उन पर ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट जेनेटिक्स को भी बीट कर देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं भी आपको उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने हाइट पोटेंशियल तक पहुँच सकते हैं। नंबर वन, कीप योर बॉडी एक्टिव। आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा एक्टिव रखोगे आपकी हाइट बढ़ने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। आप अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपकी हाइट ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। और हाँ, स्प्रिंटिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके हाइट ग्रोथ के हार्मोन्स को 400% तक बूस्ट कर सकता है। इसमें बेसिकली आप जितना तेज दौड़ सकते हैं, आपको एक मिनट के लिए दौड़ना है और फिर 4-5 मिनट के लिए रेस्ट करना है। इसी तरीके से आप डेली इसके कम से कम 5-6 सेट लगा सकते हैं। इससे आपके ग्रोथ हार्मोन में सडनली बूस्ट देखने को मिलता है। नंबर टू, गेट एनफ स्लीप। हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है थ्रू आउट द डे पल्सेस में, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है व्हेन यू आर इन स्लीप। अब मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा टू मैक्सिमाइज योर ग्रोथ हार्मोन्स ड्यूरिंग स्लीप। नंबर वन, टेक 10 आवर्स ऑफ स्लीप, स्पेशली इन योर टीनेजेस। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे 10 घंटे की नींद बहुत ज्यादा होती है, काम कब करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे, जस्ट शट अप। अगर तुम्हें मैक्सिमम ग्रोथ के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए तो तुम्हें बिस्तर में कम से कम 10 घंटे रहना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी 8 घंटे की डीप स्लीप कम्प्लीट होगी। नंबर टू, सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने फोन को साइड में रख दो, क्योंकि ये बिगेस्ट रीजन है तुम्हारे पुअर स्लीप क्वालिटी का। और हाँ, अगर तुम्हें जल्दी नींद नहीं आती है तो तुम सोने से पहले कोई बुक पढ़ सकते हो। आई कैन गारंटी यू तुम आधे घंटे के अंदर गहरी नींद में सो जाओगे। नंबर थ्री, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिससे तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स 2000% तक बूस्ट हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12-16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, जिससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। और इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत मदद करती है। बट अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे मत करना। और हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम्हारी बॉडी को जितनी कैलोरीज नीड है तुम उसे भी नहीं ले रहे हो, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम लोग 12-16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन जो बाकी के बचे टाइम है उसमें हमारी बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिशंस की नीड होती है हम वो सारे न्यूट्रिशंस इंटेक कर लेते हैं। नंबर फोर, न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन और आप कैसा डाइट लेते हैं ये आपके हाइट ग्रोथ में क्रूशियल फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम दो पौधे लगाओ, एक जिसमें तुम सुबह शाम पानी डालते हो और जिसे अच्छी खासी सनलाइट भी मिलती है, और दूसरा पौधा जिसका तुम थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं रखते हो, ना तो इसमें पानी डालते हो और ना ही उसे अच्छी खासी सनलाइट मिलती है। तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा पौधा ज्यादा ग्रो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस पौधे को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, अच्छा खासा सनलाइट मिलेगा, वो ज्यादा ग्रो होगा। सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। अगर तुम अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड खाओगे और जो न्यूट्रिशंस तुम्हारी बॉडी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे हाइट ग्रोथ के लिए नेसेसरी होंगे, अगर तुम उन्हें अच्छे से लोगे तो तुम्हारी हाइट पोटेंशियल जितनी होगी तुम आसानी से उसे अचीव कर पाओगे। तो अगर तुम ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ गए और इन पर अच्छा खासा ध्यान रखोगे, स्पेशली इन योर टीन एजेस, तो तुम्हारी हाइट पोटेंशियल तुम आसानी से अचीव कर पाओगे। इन द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी हाइट छोटी भी है तो उसे कभी भी डिसअपॉइंट मत होना। छोटी हाइट डजंट मीन यू कांट बी सक्सेसफुल। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। धन्यवाद।